हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हिमा जोशी। आज मैं आपको बताऊँगी कटहल की ग्रेवी वाली सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें मेन इंग्रेडिएंट चाहिए, वो आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़े साइज का अदरक, खूब सारा लहसुन। मेरा लहसुन थोड़ा कम है, आप ज़्यादा लीजिएगा तभी कटहल अच्छा बनेगा। दो टमाटर, करी पत्ता, चार बड़े साइज के प्याज और कटहल। कटहल को मैंने हाथों पर तेल लगा के अच्छे से काट लिया था। इसे काटना बड़ा टफ होता है और छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, ज़्यादा बड़े टुकड़ों में नहीं काटा है। अब मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है पानी और इसमें मैं ऐड कर दूँगी कटहल। कटहल ऐड करने के बाद इसे बंद मत कीजिएगा, इसमें डालिएगा हल्दी और नमक। इसमें ऐड करिएगा अब हल्दी और नमक, इससे कटहल का टेस्ट भी अच्छा आता है और कटहल जल्दी पक जाता है। अब इसको हम बंद कर देंगे जब तक कि इसमें एक सीटी आ जाए। एक सीटी लगानी है हमें, इससे ज़्यादा नहीं लगानी, और खुद ही ठंडा होने रख देना है कटहल को। अब यहाँ पे मैं प्याज डाल दूँगी और प्याज का मैं बारीक पेस्ट बना लूँगी। आप देख सकते हैं कटहल में एक सीटी आ गई है। अब मैं गैस की फ्लेम को कर दूँगी ऑफ और अब मैं पीस लूँगी टमाटर। मैंने प्याज का महीन पेस्ट बना लिया है। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी, लहसुन ऐड कर दूँगी, अदरक ऐड कर दूँगी। इन सब का मैं एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। आप देख सकते हैं तो फ्रेंड्स ऐसे बनाएंगे कटहल की ग्रेवी वाली सब्ज़ी, तो बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पर मैंने दो इलायची ले लिए, लौंग ले लिया, तेज़पत्ता ले लिया, जीरा ले लिया है। अब मैंने गैस पर कढ़ाई गर्म होने रख दी है। इसमें मैं ऐड करूँगी मस्टर्ड ऑयल। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, पर सरसों के तेल की बात ही कुछ और है। इससे कटहल बहुत ही टेस्टी बनता है। अब मैं तेल को, आप देख सकते हैं कुकर हमारा खुद ठंडा हो चुका है। मैंने इसकी सीटी नहीं हटाई है, ठंडा नहीं किया, इसे नॉर्मली ठंडा होने दे। और तेल भी हमारा गर्म हो चुका है और गर्म होने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। लो करने के बाद कुछ ठंडा होके अब मैं इसमें ऐड करूँगी सारे खड़े मसाले और हींग, करी पत्ता और प्याज की पेस्ट। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मेन है यहाँ पे प्याज को भूनना। प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक प्याज तेल ना छोड़ दे। आप देख सकते हैं प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इससे तेल सेपरेट ना हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर प्यूरी, इसे भी हम भून देंगे। इसे डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। टमाटर डालते ही हम नमक डाल देंगे। आप देख सकते हैं बगैर मसालों के भी इसका कलर कितना सुंदर आया है। अब इसमें ऐड करूंगी नमक। नमक मिक्स करने के बाद, 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें सारे ड्राई स्पाइसेस डाल देंगे। ड्राई स्पाइसेज में मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च ली है। लाल मिर्च मैंने ज़्यादा नहीं ली है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी मक्खन। आपके पास है तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा, पर मक्खन डालने से इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसमें। आप देख सकते हैं हमारे मसाले का कलर कितना अच्छा आया है। मक्खन ने भी तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सारे सूखे मसाले। आप देख सकते हैं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला और मिर्च मैं बाद में ऐड करूँगी, थोड़ा सा अभी डाल दूँगी बाद में बच्चों के लिए निकाल के। फिर मैं इसमें मिर्च ऐड करूँगी, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसने भी तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम कटहल ऐड कर देंगे। कटहल ऐड करने के बाद इसे हम कवर करके 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। अच्छे से मसाले मिक्स होने के बाद कटहल भी थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, तब तक हम इसको पका लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कटहल डाल दिया है। अब कटहल की सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनेगी इस तरीके से बनाएंगे तो।
मैंने कटहल को कवर करके 2-3 मिनट फ्राई कर लिया था। कटहल अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 गिलास पानी। आप ग्रेवी अपने हिसाब से जितना रखना चाहे उतना रख सकते हैं। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया कसूरी मेथी। इसे भी अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूंगी क्योंकि मुझे सब्ज़ी सूखी लग रही। तो आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो उतनी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी बनी है ये सब्ज़ी। आप ट्राई कीजिएगा और अपना रिव्यू मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस प्रकार से अगर आप कटहल बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।